हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमीना कुमारी, योर इंग्लिश टीचर। और अभी हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश बुक से एक न्यू चैप्टर, न्यू पोइट्री हम लोग शुरू करेंगे। तो ये पोइट्री शुरू करने के पहले बच्चों, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको आपके घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? मेरा दूसरा सवाल है, जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं या आपको चोट लग जाती है या फिर आपको भूख लगती है, उस समय आपकी आँखें किसको ढूंढती हैं? आप किसको अपने पास चाहते हैं? यस, आपका जवाब बिल्कुल सही है, माँ। तो हमारा आज का जो ये चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो पोएट्री हम लोग पढ़ेंगे, वो उस पोएट्री का विषय है माँ, टॉपिक है माँ। माँ, जब चारों तरफ काला साया घिर के आया, मैंने जब खुद को तन्हा पाया, माँ उस समय मुझे तेरा ही चेहरा नज़र आया। माँ उस समय मुझे तेरा ही चेहरा नज़र आया। हाँ बच्चों, माँ, अगर माँ ही हमारे जीवन में नहीं होती तो हमारा जीवन ही नहीं होता। हम इस खूबसूरत दुनिया को देख ही नहीं पाते। क्या देख पाते? कभी नहीं। तो ये पोएट्री जो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, ये पोएट ने, कवि ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देते हुए ये पोएट्री लिखा है। माई मदर बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट रहे हैं, और इनको हम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साइंस, एक साइंटिस्ट के अलावा, ये एक बहुत अच्छे पोएट और एक ऑथर भी थे, जिनके द्वारा लिखी गई कविताएं और कहानियों से, लेखों से स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे। तो चलिए हम लोग इनके द्वारा लिखी गई इस खूबसूरत पोएट्री को पढ़ते हैं और समझते हैं। माई मदर, ये पोएट्री 9 स्टैंजास में इसको पार्ट किया गया है। स्टैंजा वाइज हम इस पोएट्री को लाइन बाय लाइन समझेंगे, और इस पोएट्री के जो शब्द का अर्थ कठिन है, उन शब्दों के अर्थ यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है, सी वेव्स गोल्डन सैंड पिलग्रिम्स फेथ रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट ऑल मर्ज इनटू वन माई मदर। यहाँ पोएट अपनी माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं, माँ, समुद्री लहरें, सुनहरी रेत, तीर्थ स्थल पर विश्वास, रामेश्वरम का मॉस्क स्ट्रीट, सब कुछ तुम में ही समाया हुआ है। स्टैंजा 2 देखिए, यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल, माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। सेकेंड स्टेंजा में पोएट अपने चाइल्डहुड डेज को याद करते हुए लिखते हैं कि माँ, आप मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह थी, जो हमेशा मुझे प्यार करने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए रहती थी। आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल, मुझे वो युद्ध का दिन याद है,
उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उस समय उनका लाइफ, पोइट का लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। उन लोगों को सूर्योदय के पहले, घंटों पहले उठ करके बहुत दूर चल करके जाना होता था एक मंदिर के पास। वहाँ पर कुछ संत महात्माओं से शिक्षा ग्रहण करने के लिए। स्टैंजा थ्री। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेंपल सिटी सिटीजन्स। फिर जब वे सूर्योदय के पहले ही टेंपल यानी कि मंदिर से में संत महात्माओं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, फिर से वो अरब टीचिंग स्कूल जाते थे अरबी भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो इसलिए अरबी सीखना भी उनके लिए ज़रूरी था। और अरब टीचिंग स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो रेलवे स्टेशन रोड की ओर जाते थे ताकि वहाँ से न्यूज़पेपर्स कलेक्ट कर पाएँ, और उसके बाद टेंपल के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में जा कर के न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे। स्टैंजा फोर। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय। और फिर सनराइज होने के कुछ घंटों के बाद वो लोग स्कूल जाया करते थे, यानी सूर्योदय के घंटों पहले उठ करके सबसे पहले टेंपल में जो संत महात्मा से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अरब टीचिंग स्कूल जाते थे, उसके बाद रेलवे स्टेशन रोड से न्यूज़पेपर कलेक्ट करके लोगों के घरों तक पहुंचा करके वो स्कूल भी जाते थे। फिर स्कूल से लौटने के बाद शाम के समय उनका अलग काम था। क्या काम था? आप अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बायोग्राफी, उनका जीवनी, लाइफ के बारे में आप जब पढ़ेंगे, वहाँ पर है कि शाम के टाइम वो लोग इमली के बीज इकट्ठा करके चुन करके बाजार में उस समय बेचते थे, और फिर उसके बाद घर आ करके रात को सोने के पहले पढ़ते भी थे। तो इतना सब काम एक इतनी सी छोटी सी उम्र में ही उनको करना पड़ता था। इतना ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन था उनका। एंड इन स्टैंजा फाइव देखिए। माई मदर, यू ट्रांसफॉर्म्ड इन टू पायर स्ट्रेंथ विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 times फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फिर से अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं, माँ, आपके कारण ही हमें इन सारे संघर्षों को झेलने की, सहने की और इस सारे संघर्षों को हंसते हुए पार करने की ताकत मिली, क्योंकि आपका जो अल्लाह पर इतना विश्वास था, आप 5 times आप नमाज पढ़ती थी, उन्हीं का आशीर्वाद था जो हमारे ऊपर था, आप ही के कारण माँ। स्टैंजा सिक्स देखिए बच्चों। योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज योर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट, यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम। यहाँ पर फिर से पोएट कहते हैं कि माँ, आपके बच्चों में जो ताकत थी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का ही फल था। उनकी माँ बहुत
ज़्यादा है वो धार्मिक स्त्री थी। एंड यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट। उनके घर पर कोई भी इंसान अगर मदद मांगने के लिए आता था, कोई भी ज़रूरतमंद वहाँ पहुँचता था, तो वो खाली हाथ उनके घर से कभी नहीं वापस लौटता था। हमेशा उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको मिलता ही था। माँ, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक दिया ही है, क्योंकि आपका ईश्वर पर, अल्लाह पर पूरा विश्वास था। स्टैंजा 7। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10, स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड, ओनली यू न्यू, मदर, माई मदर। यहाँ पर जब वो उस पल को याद करते हैं जब उस समय वो 10 साल के हुआ करते थे, उस समय भी वो इतने 10 साल की उम्र में होने के बाद भी वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोया करते थे। तो ये देख करके उनके बड़े भाई बहन जो थे वो उनको टीज करते थे, चिढ़ाते थे ईर्ष्या से। और इट वॉज़ फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड, ओनली यू न्यू, मदर, ओ मदर। माँ, मेरा लाइफ, मेरी दुनिया, सिर्फ आप ही इसे अच्छी तरह से जानती थी। स्टैंजा 8। When at midnight, I woke with tears falling on my knee. You knew the pain of your child, my mother. Your caring hands tenderly removing the pain. मुझे उस समय संघर्षपूर्ण जीवन के कारण जो भी तकलीफ होती थी, जो भी मुझे सहना पड़ता था, जब भी मेरे आँखों से आंसू बहते थे, उस समय माँ, मुझसे ज़्यादा दर्द आपको होता था। आप मेरे हर एक दर्द को अच्छी तरह से आप पहचानते थे, और आप जब मुझको इस फिक्र में देखते थे, उस तकलीफ़ में देखते थे, तो आपका प्यार भरा हाथ जैसे ही मेरे सर पर पड़ता था तो धीरे धीरे मेरा सारा दर्द गायब हो जाता था। स्टैंजा 9। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, एंड विद हिज स्ट्रेंथ वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, माई मदर। ये इस पोएट्री के लास्ट स्टैंजा में पोएट लिखते हैं, आपका प्यार, आपकी फिक्र, आपका विश्वास ही हमें शक्ति देता है, बल प्रदान करता है। किस चीज़ के लिए? ताकि हम लोग इस दुनिया का सामना पूरी निडरता के साथ, बिना डरे हुए हिम्मत के साथ इस दुनिया का सामना कर पाए। और वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, माई मदर। ये फिर से अपनी माँ को लिखते हैं, माँ को याद करते हुए लिखते हैं कि माँ, ग्रेट जजमेंट डे के दिन, यानी कि कयामत के दिन, हम फिर मीट करेंगे, हम दोनों आपस में मिलेंगे फिर से। बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। थैंक यू एवरीवन। होपफुली आप लोगों को ये पोएट्री समझ में आ गया होगा। थैंक यू अगेन।